लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी के जो 15S के न्यूली लॉन्च लैपटॉप्स हैं, जो उन्होंने राइजन 3 राइजन 5 7000 सीरीज में लॉन्च किए थे, उन्हीं सीरीज के दो लैपटॉप। जी हाँ, दो लैपटॉप, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ रैम का फर्क है। वो रैम का भी फर्क एचपी ने क्यों दिया मैं आपको वो भी बताऊंगा। और इससे पहले भी हम एक अपलोड कर चुके हैं FC0028 AU मॉडल, जो राइजन 5 8512 के साथ था, उसी सीरीज के अंदर आज के दो लैपटॉप हैं, जिन दो लैपटॉप को हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आपको दिखाते हैं दो मॉडल्स कौन कौन से हैं। एक है FC0031 और दूसरा मॉडल है FC0029 AU। देखिए, राइजन 5 7000 सीरीज के साथ ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड करी है जो एचपी ने लॉन्च किया था, FC0028 AU। उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ है हमारा FC0029 AU, लेकिन इसमें डिफरेंस काफी है। 15S मॉडल ही है लेकिन डिफरेंस काफी है। लैपटॉप खोलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ एक लैपटॉप और है FC0031 AU। हम इन दोनों में से एक ही लैपटॉप को ओपन करेंगे। इन दोनों लैपटॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है रैम का। FC0029 AU जो है वो 8GB रैम के साथ है और FC0031 जो है 16GB रैम के साथ है। देखिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि इतने छोटे छोटे डिफरेंस के साथ ही एचपी ने ऐसे लैपटॉप क्यों लॉन्च किए, क्योंकि हमने पहले दिखाया था जो FC0028 था वो 8GB के साथ था, FC0030 AU वो 16GB के साथ था। दोनों लैपटॉप बिल्कुल सेम थे, बिल्ड क्वालिटी सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ सिर्फ रैम का डिफरेंस था। वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ऑन बोर्ड रैम आती है। अगर आपको राइजन 5 के अंदर 8GB की जगह 16GB रैम की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में 16GB कर सकता हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, आप 16GB रैम वाला ले लीजिए। अगर आपको लगता है मेरा 8GB में पर्पस सॉल्व हो जाएगा तो आप 8GB रैम के साथ ले लीजिए। इसीलिए कंपनी ने अलग अलग मॉडल्स लॉन्च करे हैं आपकी ही सहूलियत के लिए। तो चलिए, आज इन दोनों में से हम एक लैपटॉप को ओपन करते हैं, दूसरा बिल्कुल सेम है, आपको दूसरा भी समझ में आ जाएगा, सिर्फ रैम का डिफरेंस है। तो हम इनमें से चूज करते हैं FC0029 AU जो 8GB रैम के साथ है। हम इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं एचपी ने क्या डिफरेंस दिया है। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। लैपटॉप के अंदर आपको चार चीजें मिलती है, 65 का वाट का अडैप्टर, ये तो हम कह के रह गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली बार एचपी को अपनी 15S सीरीज के अंदर टाइप सी अडैप्टर लेके आना पड़ेगा इसको अपग्रेड करने के लिए, प्रीमियम पावर कोड, और साथ में आपको मिलता है एक मैनुअल जो हर लैपटॉप के साथ आता है। हमारे पास टाइम तो होता नहीं, पढ़ते हैं नहीं, और ये हमारा लैपटॉप है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि सेम लैपटॉप की हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके आपको दिखा चुके हैं। तो देखिए, ये हमारा है एचपी 15S FC0029 कहें या 31 कहें, दोनों बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब एचपी को अपनी पवेलियन सीरीज लॉन्च करने से पहले उसमें भी काफी अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लैपटॉप्स है राइजन 5, इसको देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि एचपी की पवेलियन सीरीज की जो सेल है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि एचपी ने ऑलरेडी अपने इस लैपटॉप के अंदर काफी सारे फीचर्स दे दिए हैं जो पवेलियन सीरीज में हमको मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ए पार्ट जो मेटल बॉडी में है, बिल्ड क्वालिटी आप देखेंगे तो बहुत बेटर है बिल्ड क्वालिटी, ठीक है। स्लीकनेस देखेंगे, वही स्लीकनेस जो आप पवेलियन में लेते हैं। हाँ, लोअर पार्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा बॉडी की शेप में डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन हम पवेलियन पे जाते हैं उसकी मेटल बॉडी के लिए, उसमें फिंगरप्रिंट रीडर के लिए, उसके अंदर जो उसकी स्लीकनेस होती है उसके लिए, उसके माउस पैड के लिए, टच पैड के लिए, वही सारी चीजें एचपी ने अपने 15S लेके लैपटॉप में दे दी राइजन 5 में। देखिए, राइजन 3 में भी एचपी ने ये सारी फीचर्स हमको दे दिए हैं और अब राइजन 5 में भी दिए। देखिए, पवेलियन सीरीज राइजन 3 में तो आती ही नहीं है, इसलिए वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहां पे राइजन 5 पवेलियन सीरीज में भी आता है। अगर हम लैपटॉप को खोलते हैं, ये देखिए, अगर मैं आपको लैपटॉप इसके आपके सामने रख दूं और पवेलियन सीरीज का भी रख दूं तो आपको डिफरेंस दिखाई ही नहीं देगा। आपको टच पैड भी वही दिखाई देगा, आपको सिल्वर में वही चीज दिखाई देगी। हाँ, कीबोर्ड जरूर एचपी ने डिफरेंट किया है,
क्योंकि पहले काफी टाइम से सेम चला आ रहा था। अब इस सीरीज के अंदर एचपी ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। मैं आपको अगर चेंजेस शॉर्टलिस्ट करके बताऊं, सबसे पहला एक हमारा ए पार्ट है वो मेटल बॉडी में, बी और सी पार्ट हमारा मेटल बॉडी में नहीं है, वो फाइबर में ही है, लेकिन आप अगर उसको देखेंगे तो आप मेटल फिनिश आती है, आपको बिल्कुल मेटल जैसा ही दिखाई देगा। नीचे वाला पार्ट फाइबर में आपको पता चलेगा जो मेटल में। दूसरा इन्होंने चेंजेस करा है फिंगरप्रिंट रीडर के अंदर, जो 15S के अंदर नहीं आता था इसमें आपको फिंगरप्रिंट रीडर मिलेगा। तीसरा इन्होंने चेंजेस किए हैं शटर का, कैमरे के अंदर आपको शटर दिया है। हाँ, बैकलिट कीबोर्ड 15S में हमें देखने को मिल जाता था राइजन 5 में, वो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो जो हमारे मेजर चेंजेस हुए, फिंगरप्रिंट रीडर, मेटल बॉडी और शटर, कैमरे का शटर जो एचपी लेके आया है, और एक टच पैड। टच पैड भी आप देखेंगे तो काफी उन्होंने जो साइजेस का काफी बड़ा कर दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर हम पोर्ट्स देखेंगे तो दो पोर्ट्स दे रखे हैं सिर्फ। पहला पोर्ट है आपका चार्जिंग का, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, और दूसरा है यूएसबी सुपर स्पीड। लैपटॉप के राइट साइड में हम देखते हैं तो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देता है यूएसबी सेम सुपर स्पीड में, दूसरा एचडीएमआई 1.4 आपको दिखाई देगा आपके प्रोजेक्टर और एलईडी टीवी कनेक्ट करने के लिए। आपका टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है और एक मिलता है 3.5mm का ऑडियो जैक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। प्रोसेसर देखेंगे राइजन 5 7520U विद रेडियन ग्राफिक्स के साथ है। बेस स्पीड इसकी 2.8 GHz है, लेकिन टर्बो बूस्ट होकर 4.3 GHz तक जाता है। 4 कोर का प्रोसेसर है और 8 लॉजिकल प्रोसेसर है, और L3 कैशे जो है वो 4MB की है। मेमोरी की बात करेंगे 8GB की रैम है और 5500 MHz की इसकी स्पीड है रैम की। नॉर्मली 3200 आती थी, इसमें LPDDR5 लगी हुई है, इसलिए जो फ्रिक्वेंसी है वो 5500 MHz की है। इसकी रैम अपग्रेड आप नहीं कर सकते, ऑन बोर्ड रैम है ये। जब मैं लैपटॉप खोलूंगा आपको दिखाऊंगा इसका बैक पैनल ओपन करके, और ये मत सोचिएगा अपग्रेड नहीं होगी। आपको अगर 16GB का साथ चाहिए तो आप दूसरा मॉडल ऑप्ट कर लीजिएगा जो FC00 31AU है। बात करेंगे हम हार्ड डिस्क की, 512GB इंटेल एचडी की इसमें SSD लगी हुई है। वाईफाई हम देखेंगे, वाईफाई 6AX है, तो जो पहले गेमिंग लैपटॉप में आता था वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, सॉरी ग्राफिक कार्ड नहीं वाईफाई कार्ड, जो 5.3 ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स देखेंगे तो AMD Radeon के ग्राफिक्स है, जिसकी डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी 512MB है और शेयर्ड है 3.6 GHz, जो टोटल मिला के आपकी होती है 4.1GB। इसमें मैं आपको बता दूं डेडिकेटेड ग्राफिक्स है, लेकिन इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चिप नहीं है। AMD के प्रोसेसर्स में ऑलरेडी ही अपनी अलग से ग्राफिक्स मेमोरी होती है डेडिकेटेड, वही है 512MB। स्क्रीन की बात करेंगे तो HP इसमें 15.6 इंची की फुल HD स्क्रीन आपको देता है। निट्स की बात करेंगे 250 निट्स और 45% NTSC के साथ आपको मिलती है, और 3 साइड नैरो बेजल के साथ आपको इसकी स्क्रीन मिलती है। हम बात करते हैं इसके कैमरे की, आपको इसमें 2 MP का फुल HD कैमरा मिलता है डुअल माइक के साथ। और अगर हम देखेंगे तो HP ने 15S में अपने कैमरे में प्राइवेसी शटर भी दिया है। आप अपने कैमरे को हमेशा ऑफ करके रखिएगा शटर लगा के, जब भी आपने यूज कराया तब ही आप इसे ओपन करिए, अगर आपका लैपटॉप हैक भी हो जाएगा तो कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपको नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का, आपको बैक पैनल ओपन करके दिखाते हैं इसके अंदर कहां पे कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन से। ये हमारी SSD जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, 512GB की इंटेल की SSD लगी हुई है। ये हमारा वाईफाई 6 और ब्लूटूथ भी इसी से होता है, वाईफाई 6, वाईफाई और ब्लूटूथ का एक ही चिप होती है जो होती है। यहाँ हमारी ऑन बोर्ड 4GB की 2 रैम लगी हुई है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, LPDDR5 इसमें रैम है। यहाँ हमारे 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, और यहाँ है हमारी बैटरी जो 3 सेल की बैटरी है 41 वर्क आवर्स के साथ। तो दोस्तों हमने देखा लैपटॉप के अंदर इस पे भी कुछ भी आप अपग्रेड नहीं कर सकते सिवाय एक रैम के। देखिए कई लोग कहते हैं वाईफाई अपग्रेड हो जाता है, लेकिन वाईफाई अपग्रेड हो जाता है लेकिन बहुत कम सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं होता। वाईफाई आप कोई भी आप आगे 7 या 8 जो भी आएंगे आप वो लेकर आए और इसमें लगा लें वो सपोर्ट कर जाए, बहुत कम होता है ऐसा। इसलिए हम उसको कहते हैं नहीं बोलते कि अपग्रेड हो जाएगा, रैम अपग्रेड हो जाती है SSD हो जाती है, लेकिन इसके अंदर रैम अपग्रेड नहीं होगी, ऑनबोर्ड रैम है। देखिए इसका अपना फायदा होता है, जब आपकी ऑनबोर्ड रैम होती है तो वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा
बेटर देती है आपको, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है। हाँ, ये जरूर ड्रॉबैक होता है कि आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑलरेडी कंपनी ने अपग्रेडेड मॉडल भी दे रखा है, RGB के, ये RGB का है, आप 16GB भी आप ले सकते हैं, इसीलिए इसमें अपग्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, शुरू में अगर आपको 16GB की रिक्वायरमेंट, आप 16GB ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने लैपटॉप ओपन किया था HP का न्यूली लॉन्च FC00 29AU। 29AU के साथ साथ 31AU भी है, जो बिल्कुल सेम स्पेक्स के साथ आता है, सिर्फ 16GB रैम आती है इसमें, 8GB रैम है। देखिए, स्पेक्स की अगर मैं प्राइस की भी बात कर लेता हूं पहले, इस लैपटॉप की प्राइस HP ने 53,000 रखी है। जी हाँ, 53,000, और आपको मार्केट में उससे कम ही मिल जाएगा। HP की SRP है, अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे आपको प्राइस में वेरिएशन मिलेगा, जब ऑफर आएगी तो आपको और भी डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। अगर मैं इसके 16GB रैम की बात करूंगा तो उसका प्राइसिंग HP ने 57,000 अभी रखा हुआ है, टाइम टू टाइम डिस्काउंट आएगा तो प्राइस और कम आ जाएगा। अगर मैं इस रेंज के अंदर बात करूं, जैसे हमने इस वाले मॉडल में एक जो Ryzen 3 देखा था, जो मेटल बॉडी के अंदर आया था फिंगरप्रिंट के साथ, वो उस रेंज का 40 टू 45 रेंज का सबसे बेस्ट लैपटॉप मुझे लगा। ऐसे ही मुझे आज 50 से अगर 55,000 की रेंज में कहूंगा तो सबसे बेस्ट मॉडल अभी तक का ये मुझे लगता है, क्योंकि इस रेंज के अंदर ये सारे फीचर्स, मेटल बॉडी में आपको बता रहा हूं, एक ही पार्ट है, बी और सी इसमें नहीं है, जो ए पार्ट है सिर्फ वही मेटल का है, और जो इसमें फिंगरप्रिंट रीडर दे रखा है, बैकलिट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर है, वो आपको नॉर्मली किसी भी लैपटॉप में इस रेंज के अंदर दिखाई नहीं देगा। Ryzen 5 7000 सीरीज का आपको प्रोसेसर मिलता है। अगर आप वर्किंग की बात करेंगे तो आप इसके अंदर कोडिंग करना चाहें, आप इसमें प्रोग्रामिंग करना चाहें, आप इसके अंदर फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको कलर क्लैरिटी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो, क्योंकि 100% sRGB इसमें नहीं मिलता, आपको 45% NTSC आपको इसमें मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर का आपको रहेगा, अगर आपको कलर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें कोरल, फोटोशॉप, कोडिंग, एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें 4K एडिटिंग नहीं होगी, अगर आप नॉर्मल एडिटिंग करना चाहे तो वो आप इसमें इजीली कर सकते हैं, आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको HP ने सारी वर्किंग के लिए एक लैपटॉप आपको दे दिया है, लेकिन हार्डकोर गेमिंग करनी होगी तो आपको 4GB ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें नहीं होगी। आपको 4K एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आप इसमें नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको गेमिंग लैपटॉप ही चूज करना पड़ेगा। वारंटी 1 ईयर की है, आप एक्सटेंड करा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप जब भी वारंटी एक्सटेंड कराया करें तो सिर्फ और सिर्फ HP की ही कराएं, कभी भी थर्ड पार्टी की वारंटी आप एक्सटेंड मत कराइएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की वारंटी आपको नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर कंपनीज है वारंटी देती है, अदरवाइज आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपको वारंटी एक्सटेंड करानी है तो आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे तो HP की टाइम टू टाइम ऑफर चलती रहती है 2 ईयर एक्सटेंडेड की। मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली HP 1 ईयर एक्सटेंड करने के आपसे 1499 लेता है ऑफर्स में, और अगर आप 2 साल एक्स्ट्रा करते हैं तो 2499। ये ऑफर्स टाइम टू टाइम आती ही रहती है, जब भी आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी, आप पूछ सकते हैं, और आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। जी हाँ, जब आप बात करेंगे एग्जीक्यूटिव से तो वो आपको बता देगा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा, आप 5th या 6th क्लास के बच्चे के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, आपको लगता है कि लैपटॉप वो डैमेज कर सकता है, स्क्रीन डैमेज कर सकता है, तो आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा, और वो भी HP की ही लीजिएगा। देखिए, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके अगली वीडियोस के अंदर हम उसको सही कर दें। मैं आपको ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल अगली 1 या 2 वीडियो में ही उसको सही करते हैं, कई बार हम 2-3 वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आने में टाइम लगता है, तो हम कोशिश करते हैं आपके जितने भी सजेशंस होते हैं उनको लेके अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करने का। अगर कहीं भी आपको दिखाई देता हो कि ये चीज रह गई हो, आप हमें जरूर बताइएगा, और यहां तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे भी ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको जितने भी नए लैपटॉप लॉन्च होते हैं सबकी वीडियो आपके लिए लेके आए, और सबका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएं, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आपका लैपटॉप अपग्रेड होगा या नहीं होगा, और कहां तक होगा कहां तक नहीं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस लैपटॉप को हमने खोलते हैं तो अभी तक HP के जो लैपटॉप पहले हम खोलते थे उनमें रबड़ के नीचे भी स्क्रूज होते थे, आजकल HP ने रबड़ के नीचे स्क्रू देने बंद कर दिए हैं, इसलिए आप रबड़ ना उतारें, सिंपल जो बाहर स्क्रू दिखाई दे रहे हैं आप वो खोलेंगे, आपका लैपटॉप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों,
यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।